हमें को लेंस रोकेगा, हमें ना धीरे कर दिया, कैमरा अपना ऑन कर लिए। मैं यार क्या मतलब है, बोलिनो देखो ना भाई, रिसेंट एक्सीडेंट है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू, और आज अभी फ़िलहाल हैं मुजफ्फरपुर वाले एनएच पे। जी हां दोस्तों, NH 77, और NH 77 ये पुराना था, अब तो शायद NH 22 हो गया है। तो इसी NH पे है, और अभी हम फ़िलहाल मुजफ्फरपुर से पटना की तरफ जा रहे हैं। और पटना की तरफ जाने के साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ अपडेट शेयर कर देंगे। जी हां दोस्तों, आज अपडेट देने वाले हैं सराय जो फ्लाईओवर बन रहा है, सराय बाज़ार के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका अपडेट देने वाले हैं। क्योंकि जस्ट अभी रिसेंट, अभी मतलब अर्ली मॉर्निंग हम पटना से मुजफ्फरपुर तरफ जब आ रहे थे तो देखे सराय बाज़ार का फ्लाईओवर का अच्छा खासा जो काम है वो हो चुका है। बट थोड़ा लाइट कम था, इस वजह से ब्लॉग सोचे कि लौटने टाइम बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसी वजह से अभी जस्ट लौट रहे हैं और अभी ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, और आप लोग को आज हर एक अपडेट शेयर करेंगे, हर एक डिटेल शेयर करेंगे। क्या लेटेस्ट अपडेट है सराय बाज़ार फ्लाईओवर का, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप ऑलरेडी वीडियोस में देख चुके हैं, अभी जस्ट थोड़े देर पहले टोल प्लाज़ा क्रॉस किए हैं, और ये जो भगवानपुर टोल प्लाज़ा है इस ये भी सराय में ही आता है, और जस्ट थोड़ा आगे सराय बाज़ार है जहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है। तो ये जो सराय बाज़ार का जो फ्लाईओवर बन रहा है इसका काम बहुत सालों से पेंडिंग था, क्योंकि करीब हम ही 7-8 साल से देख रहे हैं इसका काम पेंडिंग है। तो ये बहुत ज़रूरी था बनना, क्योंकि ट्रैफिक जाम जो है ना वो सराय बाज़ार में कभी कभी बहुत ज़बरदस्त वाला लगता है। इवन कभी ऐसा होता है ना कि लगन टाइम या फेस्टिवल टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है रोड पे, तो उस समय तो बहुत जाम लगता है, मतलब कभी कभी आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे का भी जाम लग जाता है। बट जो लोग बाइक से रहते हैं उन लोग को तो ज़्यादा इशू नहीं होता है, बट बस से ट्रैवल करने वाले, कार से ट्रैवल करने वाले को बहुत इशू होता है। तो वो एक नया अपडेट आज आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, और हर एक डिटेल जो है वो कोशिश रहेगा आप तक पहुंचाने का, और आप लोग को हर एक चीज़ दिखा पाएँ। तो जस्ट थोड़े सा आगे में है सराय बाज़ार। जी हाँ दोस्तों, मेरे कैमरा में शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, उनको सामने दिख रहा है सराय बाज़ार का फ्लाईओवर, जो कि इस साइड से स्टार्टिंग है। और फ्लाईओवर का जो काम है ना, वो जब हम आ रहे थे उस समय बहुत ध्यान से देखे तो करीब समझिए 90% तक काम हो चुका है। जैसा कि आप इस वीडियो में भी थोड़ी देर में देखिएगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कितना परसेंट काम हुआ है। तो इस साइड से तो फ्लाईओवर ब्लॉक किया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं इस साइड से ये फ्लाईओवर ब्लॉक किया हुआ है, तो ऊपर चढ़ने का ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग नीचे वाले लेन से जाएंगे, जो बाज़ार वाला लेन है इसी लेन से जाएंगे, और आगे चल के देखते हैं कहीं से ऑप्शन अगर होगा इस रोड पे राइड करने का। क्योंकि अभी जस्ट एक बाइक क्रॉस किया है, और उस बाइक को देखें अभी फ्लाईओवर के ऊपर से क्रॉस किया है, तो हो सकता है कि बाज़ार क्रॉस करने के बाद फ्लाईओवर पे जाने का ऑप्शन हो। तो फ्लाईओवर पे अगर जाने का ऑप्शन हुआ तो फ्लाईओवर के ऊपर राइड करेंगे, और फिर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और क्या कुछ हुआ है नहीं हुआ है। तो डायरेक्ट चलते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ से ऑप्शन है ऊपर चढ़ने का। तो फाइनली सराय बाज़ार क्रॉस कर गए हैं, और यहाँ से यू टर्न दिखा हमको जहाँ से हम इस रोड पे आ सकते हैं। और ये है दोस्तों सराय बाज़ार का फ्लाईओवर, जो कि बन के हो गया है कंप्लीट, और इस पर कुछ आगे तक राइड करते हैं और देखते हैं क्या कुछ काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इस राइट हैंड साइड में देख सकते हैं इस साइड का जो बाउंड्री वॉल का काम है वो मेनली बाकी है, आप देख सकते हैं अभी आपको जस्ट दिखेगा। तो राइट हैंड साइड में अगर ध्यान दे रहे होंगे तो देख सकते हैं इधर मिट्टी फिलिंग का पूरा काम चल रहा है, और यहाँ से जो रेलिंग है, जिसको बाउंड्री वो जो रेलिंग है उसका काम जो है वो बाकी है। वैसे रोड जो है वो बन के हो गया कंप्लीट, मतलब फाइनल पिचिंग जो होता है रोड का वो भी बन गया है, और मेनली जो काम है वो डिवाइडर का और रेलिंग का जो काम है यही मेनली बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो काम है वो हो गया है, इस साइड का तो रेलिंग का काम भी हो गया है अच्छा खासा, और इसमें बोरा रखा हुआ है मतलब पानी अच्छे से एब्जॉर्ब करें, क्योंकि गर्मी का टाइम है इस वजह से, तो इसलिए इस साइड का तो मतलब रेलिंग का काम भी अच्छा खासा हो चुका है। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं और इधर देख रहे हैं पूरा जोरों से काम चल रहा है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न, क्योंकि ज़्यादा आगे जाने से कोई बेनिफिट है नहीं, और उस साइड वाला जो लेन है वो तो ब्लॉक ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम उधर से आए थे, वो ऊपर आगे वाला लेन तो ब्लॉक है। इस साइड से देख रहे हैं
मतलब ये जब बन के हो जाएगा कंप्लीट ना, तो सराय बाज़ार का जो झंझट था, मतलब झमेला जो था जाम का, ट्रैफिक का, वो ख़त्म हो जाएगा। और इधर तो ज़ोरों से काम चल रहा है। बस ये बाउंड्री वॉल जो है ना, ये जैसे बन के कंप्लीट हो जाएगा, और ये डिवाइडर का जो प्लांटेशन या जो भी है वो थोड़ा बहुत जो काम है वो बन जाएगा, तो ये जो फ्लाईओवर है वो चालू हो जाएगा। और देख सकते हैं शानदार नया रोड पे बाइक चलाने का मज़ा ही अलग है। और आप लोग के साथ अपडेट भी शेयर कर दिए, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब आए तो दिमाग में स्ट्राइक किया कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर दे, क्योंकि बहुत लोग के लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा। बहुत लोग जो रेगुलर ट्रैवल करते हैं उन लोग को तो अच्छा खासा आइडिया है, लेकिन जो रेगुलर ट्रैवल नहीं करते हैं उन लोग के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दिए। आई होप सो कि आज का जो व्लॉग है वो आप लोग को पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना है, और अपने भाई को सपोर्ट करना है, प्यार देना है। आपका भाई हमेशा रेगुलर व्लॉग लाते रहेगा। और ये एक छोटा सा व्लॉग था, ज़्यादा कुछ नहीं था। और वापस अभी हम हाजीपुर होते हुए जाएंगे पटना। तो वैसे तो मुजफ्फरपुर टू पटना जो है ये मेरा हमेशा मतलब रनिंग रहता है, हमेशा आते जाते रहते हैं। सो इस वजह से इसका व्लॉग क्या ही बनाए, मतलब जो इन्फॉर्मेटिव लगता है उसका एक छोटा सा व्लॉग बना देते हैं, और साथ ही साथ अपना काम भी चलते रहता है, काम भी होना चाहिए और साथ में आप लोग के साथ कनेक्ट भी रहना चाहिए। इस वजह से कभी कभी टाइम टू टाइम व्लॉग बनाते भी रहते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।